नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार फिर से। मैं सासाराम शेरशाह सूरी के मकबरे से 1.5 घंटे 2 घंटे पैदल चलने के बाद मुझे एक भाई साहब ने 10 किलोमीटर का लिफ्ट दिया। 10 किलोमीटर आने के बाद एक होटल है, होटल का नाम है शिवम लाइन होटल। यहाँ पे मैंने पानी पीने के लिए रुका था, तो इन होटल के जो ऑनर है उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया आप करते क्या हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो इतनी रात को। तो मैंने बताया कि भैया मैं एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, छोड़ता हूँ, और मेरे पास अपना टेंट है। मैंने उनसे पूछा कि अगर टेंट लगाने की अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए तो हम अपनी टेंट लगा सकते हैं। तो उन्होंने राजी तो हो गए, बोले कि हाँ भैया ठीक है, आप यहाँ रात भर के लिए अपना टेंट लगा लो। मैं टेंट तो नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे इतने सारे चौकी हैं, इतने सारे कुर्सी हैं कि मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ। और यहाँ पे भैया जी हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं, होटल के पास ही हैं, यूरिया का। आइए मैं उन भैया से आपको मिलाते हैं कि यहाँ पे वो आपको यूरिया के बारे में समझाएंगे। यूरिया है क्या चीज़, मुझे तो उसके बारे में उतनी जानकारी नॉलेज नहीं है, लेकिन भैया बताएंगे। ये है भैया, ये भैया हैं जो इनके यूरिया का काम है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गुंजन है। भैया का नाम गुंजन है, इन्हीं का है ये यूरिया का। अब भैया ये यूरिया के बारे में आप बताइए, यूरिया किस चीज़ में काम आते हैं, क्या फ़ायदे हैं इससे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? ये जो यूरिया है ये आपको, ये जो यूरिया है, ये यूरिया आपको BS6 जो गाड़ी है निकली है जी, उस सारी गाड़ियों में यूरिया पड़ता है। इस यूरिया से आपको जो इस ये जमशेदपुर का यूरिया है जी, श्रीराम पेट्रोमैक्स का जी, और इस यूरिया का हमारे कंपनी ने इतना गारंटी लिया है कि अगर आपके गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होता है हमारे यूरिया डालने से, ज़्यादातर नोज़ल और आपका सेंसर जो है इसमें अगर आपका कोई भी फॉल्ट आएगा हमारे यूरिया डालने से, तो उसका कंपनी जो है जिम्मेवार रहेगी, वो आपको उसका सोल्यूशन बता देगा या उसका जो भी करना होगा उचित कार्रवाई अपना उसको आपको अच्छा कर देगी। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी लेती है। तो भाइयों, आप जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं जिनके पास BS6 गाड़ी है जो यूरिया यूज करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बिहार के सासाराम से गुजरे तो गुंजन भाई से यूरिया जरूर ले। इनके इतने सारे लगे हुए पड़े हैं, काम चालू है इनका। आप जब भी सासाराम से गुजरे, ये होटल है भैया का कंचन लाइन होटल, ठीक है, आप जब भी यहाँ से गुजरे भैया तारा चंडा वाले NH2 रोड पर है ये, हाँ, जब भी आप गुजरे और आप यहाँ से यूरिया जरूर ले। ये जो हाईवे है NH2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक की हाईवे है, कंटिन्यू 800 किलोमीटर 850 किलोमीटर की हाईवे है, वो हाईवे पे ही है इनका। अगर आप सासाराम से क्रॉस करने के बाद एक टोल आएगा, टोल क्रॉस करने के बाद तारा चंडी एक मंदिर है, तारा चंडी मंदिर क्रॉस करने के बाद आपको ये शिवम लाइन होटल मिलेगा। आप जब भी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप BS6 गाड़ी वाले जितने भी हैं, जितने भी भैया हैं, आप जब भी बिहार आएँ इनसे एक बार यूरिया जरूर लेकर के दें, इन्हें एक बार सेवा करने की मौका जरूर दें। बिल्कुल, इन्होंने मुझे रात में यहाँ पे स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट किए कि आप भैया आप यहाँ पे स्टे कर लो, आप यहाँ पे रुक जाओ, उसके बाद आप सुबह में आप जहाँ जाना होगा आप चले जाना। और एक भैया और हैं जो उन्होंने भी मुझे कहा था, वो कुर्सी पर बैठे हुए, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि आप रात भर यहाँ रुक जाओ। मैंने रुका। क्या नाम है भैया जी आपका? संग्राम सिंह। भैया जी का नाम है संग्राम सिंह, इन लाइन होटल के ओनर हैं, ठीक है। आप जब, जितने भी ट्रक ड्राइवर है भाई हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस लाइन से गुजरें यहाँ जरूर आएँ, यहाँ जरूर रुकें, और इन्हें सेवा करने की मौका एक बार जरूर दें। धन्यवाद आप लोगों का।